बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव आज मुरादाबाद आए। यहां पंचायत भवन में उन्होंने पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले शहर भर में कई जगह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि मोदी जी का सपना था कि प्लास्टिक मुक्त भारत बने, क्योंकि इससे काफी नुकसान होता है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के नए सदस्यों को लेकर भी मीडिया को बताया। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एनआरसी को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी इस तरह का कोई प्रकरण नहीं है जो एनआरसी उत्तर प्रदेश में लगानी पड़े। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में ट्रैफिक के नए नियम जो बनाए गए हैं उससे देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, इसलिए इस तरह विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को उनकी जांच करानी चाहिए। इस तरह का कोई विषय उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी इस तरह का कोई विषय नहीं आया है। और आसाम में भी एनआरसी का विषय प्रारंभ हुआ है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ, तो मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई विषय नहीं। बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं में दुखद मौतें देश के नागरिकों की लापरवाही के कारण हुई है, तो सरकार ने इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं। अश्विनी जी को बुला लो। और सरकार की मंशा ये है कि जो दुर्घटनाओं में अश्विनी गिरी जी जान हाल का नुकसान हो गया वो ना हो, और हम लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं ट्रैफिक के नियमों का पूरा ना करने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं में जान माल की हानि होती है। अब सरकार विरोध के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन सरकार ये अनायास मौतें हो रही हैं, सरकार की जवाबदेही है कि हमें अच्छे प्रभावशाली प्रभावकारी ट्रैफिक कानून हम लोगों ने बनाए हैं जिससे कम से कम दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सीधे बैठक में चलो, लेट हो रहा है। अश्विनी जी कहाँ हैं? अश्विनी जी सीधे बैठक में हम लोग चलते हैं, सीधे बैठक सारे बोल द्वार पानी और बुला दो एक प्लेट में कुछ और चावल वगैरह। दिग्विजय सिंह ने किस संदर्भ में ये बयान दिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह की मानसिक स्थिति के बारे में आपको पता है। वो इस तरह के बयान मीडिया संज्ञान ले, हाईलाइट हो, इस तरह के बयान देते हैं, और वो मानसिक रूप जो स्थिति है उनकी, कांग्रेस के लोगों को उसकी जांच करानी चाहिए। कुछ नहीं, देखो ऐसा है, भ्रष्टाचार में जो लोग भी संलिप्त कितने प्रभावशाली हैं, किसी भी दल के हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, सरकार ईडी या संवैधानिक संस्थाएं उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।